प्यारे बच्चों, हम चैप्टर थर्ड कर रहे हैं, हाउ सईदाज ड्रीम केम ट्रू, सईदा का ख्वाब कैसे पूरा हुआ। और आज हम इस चैप्टर का आखिरी पैराग्राफ करेंगे। सईदा सक्सेस हर 10,000 रुपी प्राइस एंड मीडिया कवरेज मेड हर फैमिली प्राउड। सक्सेस कहते हैं कामयाबी को, क्योंकि जो सईदा ने कंपटीशन जीता था। और मीडिया कहते हैं ज़राए अबलाग को। आजकल पता है आपको ज़राए अबलाग, पहले एक अखबार होता था, एक टीवी और रेडियो चैनल होता था, लेकिन इंटरनेट की वजह से अब सारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया, यानी एक गांव की तरह बन गई है। एक इसमें ट्विटर, फेसबुक, बहुत सारे मीडिया के ज़राए हैं। कवरेज, अहाता करना, तशहीर करना, एक बात एक जगह पे होती है और फौरन दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाती है। और प्राउड कहते हैं फख्र करना, यानी सईदा ने जो प्राइज जीता था उससे माँ बाप को फख्र महसूस किया। सईदा की कामयाबी और उसका 10,000 रुपये का इनाम और ज़राए अबलाग में उस काम की तशहीर ने उसके ख़ानदान को ये काबिले फ़ख्र बातें हो गई थी। दे नाउ रियलाइज्ड दैट एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। नाउ का मानी होता है अब, यानी ये सारे काम होने के बाद उनके उसके माँ बाप ने कोई एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना, समझना। तो कि लड़के और लड़की जो हैं वो दोनों के लिए तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें अब इस बात का एहसास हुआ कि तालीम लड़के और लड़कियां दोनों का हक है, यानी इस हक से किसी को महरूम नहीं करना चाहिए। टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सोसाइटी, इट्स कंपल्सरी टू प्रोवाइड इक्वल राइट्स ऑफ एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। क्रिएट होता है बनाना, पैदा करना, ठीक है। और रिपल इफेक्ट कहते हैं लहरी असर। आपने कभी देखा होगा कि अगर कोई पानी का ज़खीरा हो, उसमें एक पत्थर डालें तो पूरे पानी में जो है वो लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। तो इसको कहते हैं रिपल इफेक्ट, यानी एक छोटी सी तब्दीली जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आती है। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौके, और सोसाइटी कहते हैं माशरे को। और सोसाइटी की जो इकाई है वो एक घर से शुरू होती है। घर मिलकर जो हैं वो सोसाइटी बनाते हैं और फिर इलाके बनते हैं, और सोसाइटी में फिर लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर सूबे बनते हैं, फिर एक मुल्क बनता है। तो सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए चीज़ें, एक दूसरे के लिए मौके पैदा करने चाहिए, हमें जो कानून बनाए जाते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कंपल्सरी कहते हैं लाजमी, यानी वो काम जो हर सूरत में करना चाहिए। प्रोवाइड कहते हैं पहुंचाना, ठीक है। इक्वल राइट्स कहते हैं मसावी हकूक को। तो प्यारे बच्चों, औरतों और आदमियों, बच्चे और बच्चियों के बराबर हकूक हैं, कोई ना किसी से कमतर है। औरत होना कमतर होने की निशानी नहीं है। और हमारा इस्लाम जो है वो तो औरत को बहुत ज़्यादा हकूक देता है, लेकिन हमें पता नहीं है, हम कुरान को पढ़ते नहीं हैं। इस्लाम ने जो है औरत को उसकी मर्ज़ी से शादी करने का हक दिया है, उसको शादी के बाद भी अपनी वो शनाख्त को बरकरार रख सकती है, उसे काम करने का हक है, उसे प्रॉपर्टी बनाने का हक है, उसको वोट देने का हक है, और वो सिविल और पॉलिटिकल मामलात में अपने आप को मसरूफ़ रख सकती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इवन जो जंग के ज़मानों में भी कहा है कि कोई दरख्त मत काटो, बच्चों और औरतों को मत शहीद करो, बूढ़ों को और बीमारों को मत तंग करो,
जानवरों को भी ना तंग करो और जो भाग रहा हो उसको जाने दो, जेलों में कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो और किसी को जबरदस्ती इस्लाम के ऊपर ना लेके आओ। तो माशरे में नए मौके पैदा होते रहने के लिए लाजमी है कि तमाम बच्चों को तालीम के मसावी हकूक हासिल हों। माशरा तभी तरक्की कर सकता है जब औरत और आदमी दोनों के लिए मसावी हकूक हों। सईदाज एजुकेशन वाज स्पॉन्सर्ड बाय एन एजुकेशनिस्ट एंड दिस इज हाउ हर ड्रीम केम ट्रू। जो स्पॉन्सर का मतलब होता है कफालत करना, किसी के खर्चे उठाने का जिम्मा लेना। तो सईदा की तालीम जो है की कफालत का जिम्मा एक मुअल्लिम ने उठाया और इस तरह उसका ख्वाब पूरा हो गया, यानी तालीम हासिल करने का ख्वाब पूरा हो गया। तो उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।